वहीं पौड़ी के रिखड़ीखाल और धुमाकोट में बाघ का आतंक कायम है। इस बीच बाघ को काबू करने की वन विभाग की कवायद जारी है। वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगाए हैं, लेकिन विभाग को 17 मई तक ही पिंजरा लगाने की अनुमति मिली थी। हालांकि विभाग की गश्त 31 मई तक जारी रहेगी। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने जल्द से जल्द बाघ को रेस्क्यू करने का भरोसा दिया। ना ही हमारे कैमरा ट्रैप्स में, ना ही फील्ड कर्मियों को कहीं भी टाइगर की गतिविधि दिखी है, ना ही फोटोग्राफ्स सामने आए हैं। दिनांक 10 तारीख को जो घटना हुई थी वो गुलदार से संबंधित थी। हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा, हम लोग ग्राम प्रधानों से चर्चा की तो पता चला कि धब्बे वाला बाघ मतलब यह गुलदार की गतिविधि थी। तो कृपया अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो तभी ऐसी जानकारी आगे भेजिए। अनावश्यक रूप से जो अफवाहें हैं वो कृपया मत फैलाइए, यह डर का माहौल पैदा करती है। आप और हम सभी को जिम्मेदार नागरिक के बतौर आगे बढ़ना है।